छेती लेके आई है, छेती आ जाओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭਗਵਾਨੇ ਮੈਨੇ ਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਆਪ ਕਿ ਇਸ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਿੱਕੂ, ਉਸਕੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਛੱਡਨਾ ਭਗਵਾਨੇ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਆ? ਇਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਬਤਾ ਬੈਠ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ, ਓਏ ਨਿੱਕੂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਹੈ बापू ने दे दो खेत, चार मैंने बनाए हैं, मैंने अपनी मेहनत से। सुनो जी, तो हाँ वास्ते ना टेस्टी सा खाना बना के ले आई हूं। अच्छा। उन्हें अपने हाथ नाल खिलानी है। पाजी ओ की होए जसवंत, रविंद्र भाई छेती नाल घर चलो, वो अपना निक्कू ओ जी, मैंने वीर जी को इतनी बार बोला कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, अब करा नहीं रहे तो मैं खुद ही ले आया। हे जी मेरी वोटी, मुंह दिखाई पे देखना, बड़ी सुंदर है। लेके आ गया हूं, तू जबरदस्ती करेगा, मैं आज ही तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। लेके निकल जा इसको। ऐसे कैसे लेके निकल जा? एक घर मेरा भी है, ए यहीं रहेगी, ठोकर ना कर लो। आप लोग ना अब अपने अपने घर जाओ जी। निकू तू एक काम कर, कमरे में चलो और दुल्हन को भी ले ले। तू मेरे साथ चला, आ जा। देख तेरे गुस्से में है ना, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ चिंता मत कर। मैं क्या जी, निक्कू आपका छोटा भाई है और वो ना जी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी निक्कू से उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। पता है मैंने कि वो हमारी इजाज़त के बिना ब्याह करके आया है, पर सोचो जी कि आप भी उससे रूठ कर बैठ जाओगे तो उस पर क्या बीतेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अंदर चलकर मुंह दिखाई के रस्म करते हैं दुल्हन की। मैं नहीं जानता कुछ भी, उसे जाना है तो बस जाना है, और रही बात निक्कू के हिस्से की, वो उसको मिल जाए कुछ दिनों में, ना कटवा के रखती है उसने। ठीक है जी, आपको जो करना है कर लो, पर आज नहीं कल। देखो जी आज तो जी बस अंदर चल कर ना मुंह दिखाई के रस्म कर लो जी। तू कहती है तो जाता हूँ, चल मिल ले। चल रचो, हम कल ये घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? नहीं जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जेठ जी मुझसे मिल तो ले, मुझे पूरा यकीन है उनका गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। शगुन है
जेठ जी को क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या है ना कि थोड़ी सी शराब पी ली है उन्होंने, पर तू चिंता मत कर, सुबह तक ना सब ठीक हो जाएगा। नहीं पर जाई जी, अगर वीर जी ने मेरी वोटी की इज्जत नहीं की ना, हमें घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जी, मैंने आपसे कहा ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकू, कैसी बातें कर रहा है तू? तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। दुल्हन का ध्यान रख, मैं आती हूँ। हो गया जी, आप निकू के कमरे की तरफ बार बार क्या देख रहे हो? ये जो ब्याह होया है ना, ये ठीक नहीं हुआ। आप बिना उस बात के पीछे ही पड़ रही हो आप। वैसे एक बात को, वोटी मुझे तो बहुत सुंदर लगी है। जो कुड़ी है ना? वोटी आ गई है। क्यों हो गया जी? तो कुछ नहीं, दोपहर का खाना ना खेत भिजवा दें। ये बिना निकू, देख अब तू बिना गुस्सा थूक दे, बढ़िया तुझसे अगर डांट भी दिया तो क्या हो गया? घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ना, तू ही समझदार बन जा। आ बैठ, मैं ना तेरे लिए अभी खाना लेके आती हूँ। बैठ जा, बैठ जा, तू भी आ जा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अच्छा भाई, बैठो। अरे बैठ जाओ। अरे मैंने कहा बैठो, ले खा। अरे खाओ, खाना है, जहर नहीं मिला है इसमें। रात में घर कब आओ? रविंदर जी, रविंदर जी अंदर हो? रविंदर जी, रविंदर जी मैं क्या? उठो उठो।
आप तो जी नीचे कमरे में सो रहे थे, फिर ये ऊपर कब आए? तो कुछ नहीं भगवान ने, और रात को ना मुझे गर्मी लग रही थी कमरे में, तो मैं ऊपर आ गया। मुझे ना जल्दी निकलना है, तुझे ना जल्दी से नाश्ता बना दे। हाँ जी, जल्दी बना दे। रज्जू, तू कल रात को छत पे गई थी? नहीं भाभी, मैं तो तड़के पर क्यों गई थी? वो भाभी, वो क्या बोलना क्यों गई थी? भाभी, वो जेठ जी ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? वो भाभी, मैं सुबह उठी तो जेठ जी पानी मांग रहे थे, तो पानी पिलाने गई। आपसी फूट अक्सर औरों को लूट का मौका दे जाती है। रविंद्र और उसके छोटे भाई निक्कू का रिश्ता कितना मजबूत है, ये तो तभी पता चल गया जब निक्कू ने बिना बताए शादी कर ली, और अब यही शादी इस घर की तबाही का कारण बनेगी। रविंद्र रज्जो को पहले से जानता है, अब ये महज एक इत्तफाक है कि एक पुराना रिश्ता इस रूप में सामने आ गया, या फिर रज्जो कोई बड़ा मकसद लेकर इस घर में आई है। रज्जो को लेकर रविंद्र के मन में एक डर सा है, उसे देखते ही वो सहम जाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। क्यों, कब और किन परिस्थितियों में रज्जो और रविंद्र की मुलाकात हुई, और अब इस मुलाकात का क्या मकसद है? बोल। तेरी बुट्टी मेरे बारे में पूछ रही थी कि कल रात को मैं छत पर क्या करने गई थी। तूने कुछ दिमाग खराब है मेरा? अच्छा सुन, तेरी बुट्टी तेरे लिए खाना बांध रही है, अब उसे फोन कर और बोल कि तेरा खाना देने रज्जो आई। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया? फंसवाएगी मुझे, और क्या बोलूंगा उसे? वो मैं कुछ नहीं जानती, उसको फोन कर और बोल खाना देने तो रज्जो ही आएगी। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बोलो। ओए, कितने हैं तू? ओहो, आपका खाना लेके ना बस निकल ही रही थी मैं। ओए, ऐसा करना, तू रज्जो को भेज दे, तू क्यों आ रही रोटी लेके? जी, मैं लेके आती हूँ ना खाना। अरे भाई, तू जेठानी है भाई, जेठानी बन के रह, देवरानी है, काम कराओ, तो खेच आएगी, काम करेगी, सीखेगी कुछ है? तू ही काम करती रहेगी क्या हमेशा? भेज दे उसको। ठीक है जी, मैं उसे खाना लेके भेजती हूँ। रज्जो सुन। हाँ वो ये ना रोटी ले जा, और जाके ना अपने जेठ जी को देख के आ। अब नहीं भाभी। हाँ चली जा तू। वो एक बार कह दिया ना तेरे साथ रिश्ता नहीं निभाना है तो नहीं निभाना है। और हाँ, एक बात तुझे बता दूँ, मेरा जो होना था हो गया, लेकिन मेरे भाई को बख्श दे, और मेरे भाई को बख्शने का तू देगी क्या, ये बता। ना तो तू मेरा खून कर सकता है और ना अपनी पत्नी का, और ये बात तू भी अच्छे से जानता है, समझा? ओए, तू यहाँ पर लेने क्या आई है? बदला। ओए, जो तूने मेरे साथ किया ना, पता तो मुझे लेना था तुझसे, समझी? तो सुनिए, देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके भाई की पत्नी हूं ना, सुनिए जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। Thank you.
ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਰੱਜੂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਚਲ ਬਤਾ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਕੂਏ ਮੇ ਕੂਦ ਗਈ देखो जी मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ मैंने ना सब सच सच बता दो कि आपके और रज्जो के बीच में चल क्या रहा है कुछ नहीं चल रहा अभी हाँ क्या कुछ नहीं देखो जी अंधी नहीं हूँ मैं सब दिखता है मुझे और ये रज्जो रज्जो क्यों कूद गई थी कुएं में और तुसी अपनी जान की फिक्र किए बगैर पानी में कूद गए थे उसे बचाने के लिए क्या ना कुछ नहीं चल रहा भाई कुछ नहीं चल रहा तू सच कह रही है हाँ निकू वीर जी पे हाथ मत उठाना मैं इस बंदे की करती तो तुम तो सुना अच्छा क्या हो गया क्या कह रही है तू इन्हें सच बता दीजिए वरना इनमें से कोई ना कोई आपकी जान ले लेगा अरे कौन सा सच अच्छा अगर इन्होंने तेरे साथ कोई बदतमीजी की है कोई गलत हरकत की है तो तू मुझे बता बता मुझे बोल अले देख कह रही नहीं इन्होंने अपना हक मांगा था लेकिन मैंने कह दिया था कि अब मैं आपके छोटे भाई की पत्नी रज्जो कौन सा हक जो एक पति अपनी पत्नी से मांगता है लेकिन सच में निकू मैं नहीं जानती थी कि ये तेरे बड़े भाई है मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी थी फिर पता नहीं ये फिर से मेरी जिंदगी में कैसे आ गया मनप्रीत मनप्रीत ये झूठ बोल रही है इसने मुझे धोखा देकर बताया था कितने यहाँ से निकल भाभी भाभी मुझे माफ कर दो अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरा गला काट दो अगर आपको लगता है मैं मासूम हूं तो मुझे इंसाफ दो भाभी रविंदर पाजी ना हुण दिन विच भी पीण लग पए खून पाजी 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 खून पुलिस अवैध रिश्ता किसी को किसी का दुश्मन बना सकता है फिर वो चाहे पत्नी हो या भाई कोई फर्क नहीं पड़ता और यही इस खतरनाक रिश्ते का दिल दहला देने वाला पहलू है कल तक जो अपना था वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि हो सकता है आवेश में आकर मनप्रीत ने ही पति को मार डाला हो लेकिन बात अगर सिर्फ गुस्से की है तो ये काम निक्कू भी तो कर सकता है पत्नी का बड़े भाई के साथ अवैध रिश्ता उसे भी कत्ल के लिए उकसा सकता है ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस इस केस को किस नजरिए से देखती है बेशक मनप्रीत इस हत्या की प्राइम सस्पेक्ट है लेकिन जब तक रविंद्र और रज्जो के अवैध रिश्ते पर पूरी तरह से रोशनी नहीं पड़ती तब तक ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि हत्या किसने की तेरे कारण ही हुआ है। ना मैं भाभी को बताती और ना भाभी को गुस्सा करता तू इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो क्या खून अन्ना ने किया है इंस्पेक्टर साहब वो रजाई जी को वीर जी और रज्जो के व्याधे बारे से पता चल गया मैं कहती थी ना कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती
अजी, हम शादी कब कर रहे हैं? मतलब वो तुझे पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। तुम अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। और तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना खुश रख सकती हूँ। ओए सुनो, वो सब ना एक हादसा था और तू ही ना मेरे पीछे घूमती थी। अब भूल जा उन बातों को। वो सब कुछ जो हुआ ना शराब के नशे में हुआ और मैं ना अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। ये बात तू कान खोल के सुन ले। और रविंदर, मैंने तेरे भाई से शादी करी, तू तो गया। और तेरी बीवी तेरे खून के इल्जाम में अंदर। और बचा तेरा वो भाई निकू। अरे वो तो पहले से ही बेवकूफ है। अब मैं इस घर की रानी बनूंगी। रानी। जेल से भाग कर तो नहीं आ गई? पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। तू पुलिस को फोन कर। हाँ। मैं बहुत डर लग रहा है निकू। निकू तू पुलिस को फोन कर, तो ये हमें भी ना मारते। मुझे मापी को फोन लगाया। चलो ए, थानेदार साहब ने बुलाया है पूछताछ के लिए। पर क्यों, मैंने क्या किया है? तेरे भाई का खून हुआ है तो पूछताछ तो होगी ना तेरे से भी। हवलदार साहब, मैं भी चलूंगी। नहीं, तू यहीं रुक, ले चल इसको। घबराई मत। मनप्रीत, वो वहां कैसे आ गए? वो तो यही है लॉकअप में। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये अभी अभी तो घर पे थी। आप इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे
अपने पति को बुलाइए और मेरे पति से पूछ लीजिए। निकू को लुधियाना ले गए पूछताछ के लिए। रज्जू, वो क्या है ना कि कपड़े मैले पड़े थे तो मैंने धो लिए। ये तेरे कोई मैले कपड़े है ना तो मुझे दे दे, मैं वो भी धो लूंगी। ए, तू मुझे यहाँ डराने आई है? क्या हो गया तुझे? मैं तो तुझसे मैले कपड़े मांग रही हूँ, क्या बोल रही है तू? तू पुलिस स्टेशन से भाग के आई है ना ताकि मैं डर जाऊँ? लेकिन एक तेरी बात सुन ले, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझी? दूर रख इसे, इससे किसी का खून भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रविंदर जी का हुआ था। क्या हुआ रज्जू? सच्ची बात कड़वी लग गई? देख, सच कबूल कर ही ले कि रविंदर जी का खून तूने ही किया, इससे तेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आइए, वो मंत्री पुलिस स्टेशन से भाग आई है। इंस्पेक्टर साहब, पहले इसने अपने पति को मार दिया और अब ये मुझ पे हमला कर रही है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए। अब तू पुलिस को ये कभी साबित नहीं कर पाएगी कि रविंदर का खून मैंने किया, लेकिन मैं जरूर साबित कर दूं कि तेरा पति एक नंबर का धोखेबाज था। नहीं, झूठ बोल रही है तू। मेरे रविंदर जी कभी धोखेबाज नहीं हो सकते। तेरा पति धोखेबाज नहीं था। देखो, तू देखो, माँ की तरह पाला है तुझे। तुझे लगता है ना कि तेरे वीर जी का कत्ल मैंने किया तो ठीक है, खड़ा रहे यहाँ और देखता रहे कि कैसे मुझे तेरे वीर जी की कत्ल की सजा मिल रही है। एक बात कहूँ निको, जो लड़की तेरे वीर जी को धोखा दे सकती है ना, वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकती है। और आज मैं कसम खाती कि जब तक तेरे वीर जी के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहेगा। वाहेगुरु जी दी सो। सर, मुझे यकीन है परजाई वीर जी का कत्ल नहीं कर सकती। फिर किसने किया था अपराध कत्ल? मुझे रज्जो पे शक है, लेकिन जब तक मेरा शक यकीन में न बदल जाए मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि असली गुनेगार को पकड़ा जा सके। ए फलाओ, आपको रविंद्र के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। परिवार के एक सदस्य की गलती पूरे घर को तबाह कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि अवैध संबंध का परिणाम हमेशा घातक ही होता है। रज्जो एक खतरनाक और चालबाज औरत थी। निक्कू को झांसे में लेकर उसने रविंद्र को जमीन के लिए निशाने पर लिया, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। आज रज्जो आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा भुगत रही है। एक शातिर औरत को उससे भी बेहतर चाल चलकर निक्कू और मनप्रीत ने जेल पहुंचा दिया, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो अब कभी नहीं हो सकती। रविंद्र ने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन एक सच ये भी है कि रविंद्र का पक्ष किसी ने नहीं सुना। इस रिश्ते की आड़ में उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये बात ना तो मनप्रीत ने समझने की कोशिश की और ना ही छोटे भाई निक्कू ने। अगर रविंद्र को भी बोलने का बराबर मौका दिया गया होता
तो शायद रज्जो कत्ल करने की हालत में होती ही नहीं। फिर आगे चलकर रविंद्र को माफ करना है या नहीं, ये मनप्रीत का फैसला था, लेकिन कम से कम रविंद्र की जान तो नहीं जाती। इसीलिए इंसाफ का पहला सिद्धांत यही है कि हर पक्ष को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।